राजस्थान में फसल बीमा का जगह पहिया देने का अधिकार टेंडर कौन कराया करे? राजस्थान सरकार। फसल बीमे का काम पूरा राजस्थान को है, सरकार भारत सरकार तो जितना राजस्थान सरकार कही बिता पहिया देने को काम है, क्योंकि वो मंत्रालय मेरो है, मत दिवाने। मैं इतना नहीं करो, गिरदावरी रिपोर्ट राज्य सरकार बनावे। गिरदावरी रिपोर्ट यानी कि कौन बनाई? पटवारी बनाई, कलेक्टर बनाई, बैंकिंग अंडर में होया करे, राजस्थान सरकार के अंडर में। मैं जितो क्लेम बढ़ा भेजे, मारो काम तो ये है कि वो क्लेम बढ़ा भेजियो बिता पैया देना, तय करनी यही होया करे। ठेकेदार भी ओंग होया करे, कंपनी भी यही तय करे कि कई कंपनी को टेंडर हुए हो। राज्य का अधिकार है, हमारा काम तो सिर्फ वहां आने के बाद में पैसा देना है, कि इतना पैया दे दो काश्तकारों ने, मैं खादम डाल दो, इतना ही काम है मारो, और कोई काम नहीं है। अब भी के मो बीच में मैंने ठा पड़े हो गड़बड़ घोटाला झाटाला कर दिया है। बीच में थोड़े कही होंगे कास्ट करोगे 15 रुपया 5 रुपया 20 पैया एड़ा पैया आया कि नहीं आया? एड़ा पैया फसल बीमा का आवन ढूंगा जन मैंने ठा पड़े हो, मैं पतो की होगी चीज है कि तो पतो करियो कि कंपनी वालों के हाथे मिला राजस्थान सरकार और सिर्फ 65 करोड़ रुपया देन जानी चाहे। 65 करोड़ में की गई 5 पैया 50 पैया आवे, की गई 1 रुपया आवे, की गई 20 रुपया एड़ा पोती आवे। जना मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भैया के मजाक समझिए थे किसानों ने, आपकी आप मंत्री को भी मैंने फोन किया भैया क्या मजाक है, आपने क्या कर रहे हो, आप ऐसे कास्तकारों को 20-20 पैसे दे रहे हो? तब उन्होंने उनको कहा कि हमने सही किया, मैंने कहा सही नहीं किया, मैंने मेरे अधिकारियों को पूछा कैसा गड़बड़ कैसे हो रहा है, आप पता करो राजस्थान सरकार में। राजस्थान सरकार का जब हमने राजस्थान सरकार के हमारे भारत सरकार के अधिकारियों से पता करवाया तो पता चला कि सैटेलाइट, उसके बाद उन्होंने उसमें ये किया कि वो बाकी के पैसे जो कंपनी के साथ मिलकर खाना चाह रहे थे। हमने अधिकारियों को वहां बुलाया दिल्ली, हमारे कैबिनेट मंत्री थे नरेंद्र सिंह जी तोमर, और हम साथ बैठे अधिकारियों को बुलाया, सबको बिठा के कहा कि भाई तुम लोगों ने ये गड़बड़ कैसे किया? तो फिर हमने कहा हम तो तुम्हारी दोबारा जांच कराएंगे। हमने दोबारा जांच करवाई और जांच करा के सैटेलाइट से करवाया कि सैटेलाइट पीछे का अभी का गिरदावरी रिपोर्ट में पटवारी देता है, लेकिन हमने सैटेलाइट से करवाया कि पिछले आज से 1 साल पहले कितना फसल बीमा फसल का नुकसान हुआ था। सैटेलाइट से पता चल जाता, बैक चला जाता है उसमें, तो उसमें पता चला कि किसानों का जो क्लेम बढ़ना चाहिए था उससे कम दिया। तब हमने कंपनी, हमारे भारत सरकार ने प्रेशर बढ़ा के उनको कहा कि इतना नहीं, इतना क्लेम बढ़ना चाहिए जो 65 करोड़ से बढ़ाकर, और हमने 540 करोड़ रुपए किसानों को दिलाए बाद में। फिर किसी के 21,000 आए, किसी के 31,000 आए, किसी के 50,000 आए, किसी के 1,00,000 आए, किसी के 2-2 लाख आए, किसी के 3 लाख भी आए। ये पैसे आए कि नहीं आए? अगर मैं वहां नहीं होता तो आपके वहां पर कोई अंदर घुसकर बात करने वाला भी नहीं होता, ये पैसे खा के चले जाते। और अब कोई लड़के ऐसे बैठे फेसबुक पर लिखते, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर किसी भी किसान के साथ में धोखा नहीं होने दूंगा, जब तक मैं बैठा हूँ किसी प्रकार का क्लेम के अंदर नुकसान नहीं होने दूंगा। ये लोग झूठे लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं पहुंचा हूँ, मैं यहाँ पर संघर्ष करते करते पहुंचा हूँ। मैं यहाँ पर पार्षद से लेकर और जिला परिषद का चुनाव लड़ते लड़ते और उसके बाद में मैंने आंदोलन किया, अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के लिए मैंने लटकाए, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो युवाओं के लिए मैंने संघर्ष किया है, मैंने हर जगह आंदोलन किया, या किसी प्रकार की अगर सरकार में नहीं था तो मैंने वहां पर झगड़ के भी कैसे भी करके काम करवाए। आज एक भी रुपया कोई माई का लाल मेरे को ऊपर पैसा नहीं लगा सकता, मैं गौ के रक्त बराबर समझता हूँ कोई पैसे का अगर मेरे ऊपर लगाए तो। ये झूठे लोग जो भ्रष्टाचारी है, खुद पैसे खा खा कर पेट भर भर के इतने बैठे हैं, जिनके पेट में कितना भी पैसा डाल दो वो उतना चला जाता है जैसे पता ही नहीं चलता कितना खा गए लोग, और वो ऐसे एक ईमानदार के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको दोबारा अवसर मत आने दो यहाँ पे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।